यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टीआरसी पोर्टल के बारे में, जैसे कि ग्रेड वन यानी कि एमपीटेट ग्रेड वन मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक को लेकर एक अपडेट आया था कि आज से यानी कि 14 जून से आपके पोर्टल पर ओपन हो जाएगा, जिस पर आप अपनी सारी डिटेल जो है डॉक्यूमेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अपलोड कर सकते हैं, और 21 तारीख से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस अभी कहाँ तक पहुँची है और पोर्टल को किस तरीके से अपडेट किया गया है, साथ ही लास्ट वीडियो में आपके जितने भी कमेंट्स थे, जो भी आपके डाउट्स थे, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर टीआरसी पोर्टल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका अगर आप देखना चाहें तो आप डायरेक्टली गूगल पर जाकर टीआरसी पोर्टल डालेंगे तो वहां पर आपको सबसे फर्स्ट पे trc.mponline.government.in दिखाई देगा। जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय, ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024, यानी कि हमने जो अभी पेज ओपन किया हुआ है वो ग्रेड वन के लिए ओपन किया हुआ है। अब इस पे जो है काफी सारी अपडेट कल दिन में जो है आ गई थी, कल दिन में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड कर दी गई थी। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। ये किस केस में आपको उनसे बात करनी है या वहां पर जाना है, यदि आपका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या फिर आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है या फिर मोबाइल नंबर वही है लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है इस केस में, या फिर आपका ईमेल आईडी बंद हो चुका है, क्योंकि ये वही ईमेल आईडी है, ये वही मोबाइल नंबर है जब आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपके फ़ोन पर जो ओटीपी आया था ये उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी की बात कर रहा है। यदि अब आपका ईमेल आईडी नहीं चल रहा है या मोबाइल नंबर नहीं चल रहा है और चल रहा है तो उस पर ओटीपी नहीं आते हैं, तो उस केस में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर अपने मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चल रहा है तो आप इजीली जो है अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहला केस तो यही होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही दिक्कत होती है, या तो वो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर जो है मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, ओके। तो उस केस में आपको जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाना है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो लास्ट ही गेस्ट टीचर पोर्टल अपडेट था उसमें आप सेल्फ कर सकते थे, लेकिन इसमें सेल्फ करने का ऑप्शन नहीं है, आपको वहीं पर जाकर ये प्रोसेस करवानी पड़ेगी। तो अभी 14 तारीख से लेकर आप 24 के बीच में, मतलब उससे पहले पहले ही आप जाकर करवा लें, ओके। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरा जो शेड्यूल यहाँ पर अपडेट किया गया है उसमें चार चीज़ें अपडेट करी गई है। सबसे फर्स्ट चीज़ आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रोफाइल है उसका पंजीयन करवाना है वो 14 से 18 के बीच में करवाना है। दस्तावेज जो अपलोड करेंगे, मतलब आज से लेकर 18 तारीख से पहले पहले आप अपलोड कर दें। शाला का जो विकल्प का चयन आएगा वो भी आपको 14 से 18 के बीच में ही करवाना है, और ऑफलाइन जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की तारीख 21 से 23 जून है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है अभी पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। अब इसमें ये क्लियर इंस्ट्रक्शन भी है कि आपको किस तरीके से जो है प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू करनी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने दिया है कैंडिडेट लॉगिन प्रोसेस यूजर मैनुअल, मतलब इन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हैं कि आपको कैसे साइन अप करना है, आपको कैसे ओटीपी मिलेगा, ये सारी चीज़ें। फिर ईडब्ल्यूएस के निर्देशिका, जितने भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है जो पहले ही अपडेट कर दी गई थी। अभ्यर्थियों के लिए सूचना, चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका, चयनित परीक्षा के लिए जारी नियम पुस्तिका, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 2023, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कल की डेट में देखने को मिली होगी। तो क्या क्या है इनके अंदर, एक बार अपन वन बाय वन करके सारी चीजें देख लेते हैं। यदि आप सबसे पहला पोर्टल ओपन करेंगे, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन कि जो इन्होंने यूजर मैनुअल गाइड दिया है वो आपको साइन अप कैसे करना है ये दिया गया है। और अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होती है तो आप जल्दी से एमपी कियोस्क के पास जाकर ये प्रोसेस करवा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि इसमें आपको एक एक डॉक्यूमेंट को डालना पड़ता है। तो आप अगर पॉसिबल है तो आप वहीं पर जाकर इसमें करवाएं, ठीक है। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पर डॉक्यूमेंट डालने का इसमें कुछ मिनिमल चार्ज भी लगता है ना, तो वो पेमेंट करना और वो सारी प्रोसेस रहती है, तो आप कियोस्क पर जाकर इसको करवा सकते हैं। तो इसमें आप एटलीस्ट जो
साइन अप वाली प्रोसेस होती है, ओटीपी वाली प्रोसेस होती है, वो सेल्फ करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हैबिटेट हैं, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं खुद से ही एग्जाम वगैरह का, तो आप एक बार ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जैसे ही स्क्रीन पर आप ओपन करेंगे, लोक शिक्षण संचालनालय और ट्राइबल डिपार्टमेंट दो चीज़ें दिखाई देगी। ट्राइबल डिपार्टमेंट को 2022 के बाद अपडेट नहीं किया गया, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर ही कि जितनी भी भर्ती होगी वो डीपीआई खुद करेगा, सेल्फ करेगा, है ना। क्योंकि बहुत सारी बार गड़बड़ क्या होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ट्राइबल में भी अपना वो दे देते हैं और साथ ही डीपीआई में भी दे देते हैं, तो एक ही स्टूडेंट का दो दो जगह सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस बार ट्राइबल की भर्ती भी कौन कर रहा है? डीपीआई खुद यहां पर कर रहा है। तो आपको केवल डीपीआई पोर्टल को ओपन करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर तीन चीजें शो होगी। उच्च माध्यमिक दिखाई देगा, शिक्षक माध्यमिक यहाँ पर दिखाई देगा और प्राथमिक शिक्षक यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। ये चीजें दिखाई देगी, आपको उच्च माध्यमिक के ऊपर टिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे, आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसमें फिर आपको कैंडिडेट लॉगिन साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, साइन अप आपको ऑप्शन दिखाई देगा। साइन अप कैसे करना है? यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही वो चीज आपसे पूछेगा, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ मेंशन करा है कि साइन अप करने के लिए आवेदक को अपना रोल नंबर, ठीक है, ग्रेड वन की एग्जाम के लिए अभी अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेड टू का जो पेज है, माध्यमिक शिक्षक वाला जो पोर्टल है, वो अभी तक अपडेट नहीं है। लास्ट ईयर का ही इन्फॉर्मेशन, 2023 का ही अपडेट इसमें दिख रहा है। जब ये पूरी ग्रेड वन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको ग्रेड टू का पोर्टल ओपन दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले आपको साइन अप लॉग इन यहाँ पर करना है। तो आप रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे। इन दोनों पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा, ठीक है, और वहां से आपका रजिस्ट्रेशन पंजीयन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो जितना जल्दी हो सके जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू करवा लेना, ओके। ओटीपी उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जिस पर आपने पीईबी से फॉर्म भरा था, ठीक है। पीईबी से जब आपने फॉर्म भरा था, उसी पर ये चीज़ें आपको मिलेगी, किसी और नंबर पर, मेल आईडी पर नहीं आएगा। यदि बंद हो गया है, तो आप डीईओ अधिकारी के पास जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। जो ओटीपी आएगा, कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड बटन पर क्लिक करेंगे, आपको ओटीपी आ जाएगा आपके नंबर पर। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। जो ओटीपी आएगा, आप उसको यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे ही आपने ये ओटीपी डाला, ठीक है, ये ओटीपी डालने के बाद जो है, प्रोफाइल पासवर्ड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, मतलब खुद से आप अपना पासवर्ड यहाँ पर बनाकर जो सिक्योर्ड पासवर्ड है वो डालेंगे। एक बार पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे और क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर आपको टिक करना है। और ये पासवर्ड आप अपने कॉपी पेन, जो आपकी पर्सनल डायरी होती है, उसमें ज़रूर से लिख लें, क्योंकि भूलने के बाद रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ईमेल आईडी पर ओटीपी आता है, फिर उसको नया पासवर्ड क्रिएट करने की लिंक आती है, तो वो बहुत हैक्टिक प्रोसेस होती है। तो जो भी सिक्योर्ड जगह है ना, अगर आपकी पर्सनल डायरी है, तो आप उसमें ज़रूर से ग्रेड वन मेंशन करके, टीआरसी पोर्टल मेंशन करके अपना आईडी पासवर्ड लिख लें, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर से कर लें, और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो ज़रूर से आप फॉलो करें। कम से कम 8 शब्दों का वो होना चाहिए, और फर्स्ट लेटर एटलीस्ट, या उसका जो पहला वर्ड है या कोई भी एक लेटर है, वो कैपिटल होना चाहिए। जस्ट लाइक ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कॉमन पासवर्ड आपको यहाँ पर नहीं रखना है, है ना। इस तरीके से कोई भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड आप रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ लेटर कैपिटल भी होना चाहिए, कुछ अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए और कुछ नंबर भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। वो आपको इंस्ट्रक्शन इसी के अंदर दिख जाएंगे जब आप पासवर्ड डालोगे, ठीक है। जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, तो आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले होगा, प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप इस पर जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, आपको फिर से ये इंटरफेस दिखाई देगा, मतलब आपको जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है, आप अपनी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा फिल करेंगे, यहां से आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, मतलब आप जैसे ही लॉगिन पर टिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा आपका इंटरफेस, ठीक है। कैप्चा वगैरह आपको सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर लेनी है, ओके। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए इसमें ये चीज़ मेंशन करी है, आपकी स्क्रीन पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पर टिक करेंगे, आपको ये डिटेल्स शो होने लग जाएगी, जिसमें आपको एप्लीकेशन डिटेल, रिजर्वेशन, ट्रेनिंग और जितने भी आपके सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन है, उनको फिल करना है, ठीक है। एक बार हमने ये चीज़ आपको लाइव करके भी दिखाई थी, एक स्टूडेंट का पोर्टल ओपन करके दिखाया था कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर डालेंगे, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, और ये जो है
इसमें एक चीज़ और खास इन्होंने मेंशन करी है कि अगर एक बार आपने डिटेल फिल कर दी तो इसमें संशोधन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन भरने से पहले दो बार क्रॉस चेक उसको आप ज़रूर से कर ले। ठीक है, इसमें इन्होंने नीचे इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि ये संशोधित नहीं होगा, और यही चीज़ें वापस से जब आप इसका प्रिंट निकाल कर ले जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जिला शिक्षा अधिकारी है जहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे वो चेक करेंगे, और इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके रियल डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करती है, जस्ट लाइक आपका 76% है और आपने 81% यहाँ पर डाला हुआ है या CGPA वगैरह डाला हुआ है, अगर वो इनकरेक्ट हुआ तो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन भरनी है दो बार चेक कर लेनी है। अगर आप इसके यूज टू नहीं है, मतलब अगर आपको भरने में दिक्कत आती है, फ़ोन से वगैरह आप भर रहे हैं, तो पॉसिबल हो तो कियोस्क पर जाकर ही ये सारी चीज़ें आप करें। ठीक है, खुद से ना ही करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें जो भी आपकी BEd की इन्फॉर्मेशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कितने मार्क्स आए थे, कितने रोल नंबर है, कितना परसेंटेज है, एग्जैक्ट परसेंटेज आपको फिल करना है, एटलीस्ट 2 डिजिट तक तो आप परसेंटेज एग्जैक्ट भरेंगे। अगर आपका, देखो बहुत सारी बार दिक्कत क्या होता है कि 59.2% या 59.4% होता है तो आप उसको 60% फिल कर देते हैं, वो गलत है। एग्जैक्ट जो परसेंटेज आता है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, क्योंकि उसका भी बहुत आगे दिक्कत आएगा। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जहां से भी आपने क्वालिफिकेशन करी है, वो सारी चीजें आप इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, आवेदक जिसका नाम प्रावधिक चयन सूची, प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, ऐसे आवेदकों को आगे की निम्न प्रक्रिया करना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इन्होंने अभी तक ऑफिशियल ऐसा मेंशन नहीं किया था कि किन स्टूडेंट को ये डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। ठीक है, तो अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं और यदि आप ऑलरेडी लिस्ट में आ चुके हैं, जो लास्ट ईयर लिस्ट यहाँ पर पब्लिश की गई थी कि कौन कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, वो सारे ही स्टूडेंट प्लस वेटिंग लिस्ट वाले सारे ही स्टूडेंट इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर मतलब साइन अप करके ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आवेदक को मेन्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है, मतलब आपके लिए ये लिंक यहाँ पर ओपन रहेगी। ठीक है, जैसे ही जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, वो आप फिल करेंगे। ठीक है, यदि आप गेस्ट टीचर हैं तो आपको सिर्फ वही जिले दिखाई देंगे जिनमें आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, और वहीं पर आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आप मान लो कि आप मंदसौर के हैं, है ना, आप MDS के हैं, और आपने कहीं इंदौर वगैरह में जो है एज अ गेस्ट टीचर अपना पोस्ट अपना अपनी सर्विस दी है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जिला होगा वो इंदौर ही रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट टीचर की जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी क्रॉस चेक किया जाएगा, तो आपका जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो इंदौर में ही होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, जिले के चयन के उपरांत अपनी जानकारी को आपको सेव कर लेना है, एक से ज़्यादा जिले दिखाई देने पर आप ध्यान रखें कि आप कौन से जिले में अपना वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। अगर आप चाहे कि नहीं अब मुझे जिला चेंज करना है तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रोफाइल अपडेट होने के बाद, है ना, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर जाना है। ठीक है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट को यहां पर अपलोड करना है, 10th का डॉक्यूमेंट, BEd फाइनल ईयर की मार्कशीट। ठीक है, क्योंकि आप Grade 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स इसमें BEd लगेगा और ये चीज़ मैंडेटरी होगी। ठीक है, जो भी आपने जिस भी सब्जेक्ट से किया है ये इंडिविजुअल आपके सब्जेक्ट के लिए होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पर लगेगी, और ये सब मैंडेटरी नहीं है, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आपके पास है और तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। ओके, और जितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका इंडिविजुअल एक एक पेज पर आ जाएगा, तो अगर 7 डॉक्यूमेंट हैं तो 7 पेज आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और इसको आपको क्या, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इस पर टिक करना है, उसके बाद ही जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, और कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो ये पेज आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब जो चीज़ इन्होंने बोली है, जो फाइल अपलोड करने को बोली है, मान लो आपने उसका इमेज फॉर्मेट डाला है, तो वो चीज़ इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ओके, जैसे ही आप प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे आप अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक है, और पर पेज यहाँ पर आपका 5 रुपीज़ लगता है, मतलब 5 रुपीज़ पर पेज, अगर आप 7 पेज डालते हैं तो 35 रुपीज़ का आपका शुल्क लगेगा। 100 रुपीज़ यहाँ पर फिल करने के इसमें लगते हैं, जो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपका रोल नंबर सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। चॉइस फिलिंग ऑप्शन के लिए जो है आपको कुछ स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को फिल करना पड़ेगा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग डिटेल जो भी आपने ली है, ये सारी चीज़ दिखाई देगी। ठीक है,
अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, मतलब आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको कौन सा स्कूल दिखाई दे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है, क्योंकि वो ऑप्शन भी अभी ही आपका ओपन हो जाएगा। 14 से 18 के बीच में आपको अपने स्कूल को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आप इसकी रिसिट जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप अपने सारे स्कूल जो आपके नियरेस्ट हैं, जहाँ पर आप सुटेबल हैं कि आप यहाँ पर जाकर अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, वो सारे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जितने भी स्कूल हो सकते हैं, जितने मैक्सिमम स्कूल हो सकते हैं, वो सब आप सिलेक्ट कर लेना, है ना। मान लो कि पहले वाले स्कूल में कोई भी पोस्ट खाली नहीं रही, क्योंकि आपसे ऊपर जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी जिनके नंबर ज़्यादा है, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर इस चॉइस फीलिंग होती है, तो जितनी लिस्ट हो सकती है, जितने आप फिल कर सकते हो, अगर 52-53 आ रहे तो सबके सब प्रायोरिटी के बेसिस पर आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी सिलेक्शन की लिस्ट होगी वो वन बाय वन करके यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके इन डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा लेना है, इनको सेव करके रखना है। 21 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये लेकर जाना है। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद अगर आप देखें तो सेकेंड पोर्टल पर जो आया था चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका, तो ऑलरेडी अपन जो है 10 तारीख को जो ये इन्फॉर्मेशन आई थी, 12 तारीख को ही अपन ने इसके बारे में देख लिया था कि 14 से लेकर 18 जून तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और 21 से 23 जून के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये वाली चीज होगी, इसके लिए लिस्ट आ जाएगी कि किन स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट जो एटलीस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, पास हो चुके हैं, वो सब अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख लेना। फिर अगली जो इंफॉर्मेशन आई थी उसमें यह बताया गया था कि कौन कौन स्टूडेंट जो है जिनका सिलेक्शन यहाँ पर होगा और जिनका रिजेक्शन यहाँ पर होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एज रिलेटेड क्राइटेरिया हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, आपके डॉक्यूमेंट हो गए, आपकी मार्कशीट हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें भी वही सारी चीज़ें मेंशन करी गई, और इसमें एक चीज़ और नहीं यहाँ पर मेंशन करी है कि आपको जो डिग्री वगैरह लगानी है वो इस क्रम में लगानी है, तो ये क्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, इस क्रम में आपको अपनी पूरी डिग्री को लगाना है। पात्रता परीक्षा जो लास्ट आपने क्वालिफाई किया है उसकी मार्कशीट, उसका रिजल्ट सबसे पहले रहेगा, 10 की मार्कशीट, सारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो वो वाली चीज़, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गेस्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, और दिव्यांगता सर्टिफिकेट यदि आप उस कैटेगरी से हैं, बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर की, आयु सीमा में अगर आपको छूट लगती है तो वो वाली चीज़, पंजीयन क्रमांक जो पंजीयन आपका लगता है, रोजगार पंजीयन, वो वाली चीज़, और शपथ पत्र यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लाइन से अरेंज करके इसकी 2 फोटोकॉपी करवा कर आपको लेकर जाना है, और लास्ट वाली जो है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रखे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन करा और हिंदी से आप पेपर देकर आ गए तो वो चीज़ यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगी, इसलिए आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान से देख लें। वो आप इस टीआरसी पोर्टल पर जाएंगे तो ये वाली जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको स्क्रीन पर विजिबल है, यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, ये 2023 वाला ही अपडेट है, लेकिन इसको आप अभी ज़रूर से चेक कर लें, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ज़रूर से देख लें। ओके, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा भी यदि आपका कोई है कि ये डाउट हमको लग रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दें, या फिर आप हमें सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर से व्हाट्सअप कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड आपका एक कमेंट था कि कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। देखो, अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी लिस्ट यहाँ पर बनती है कि 2018 की लिस्ट यहाँ पर बनेगी, फिर जो 13% को छोड़ दिया गया था उनकी लिस्ट यहाँ पर बनेगी, फिर वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, तो कई सारी प्रोसेस लंबी ये चलने वाली है, 6 महीने तक ये प्रोसेस चलने वाली है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड तो सभी कर दो, है ना। जितने भी स्टूडेंट है जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो सबके सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। उसके बाद जो है, जो यहाँ पर चॉइस फीलिंग वाला ऑप्शन है वो सबके लिए ओपन नहीं होगा, चॉइस फीलिंग वाला ऑप्शन ओपन होगा जिनका लास्ट में चयन सूची जो आई थी, मेरिट लिस्ट जो आई थी, उनमें जिनका नेम है उनके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड, वो वाला जो प्रोसेस है अपना स्कूल सिलेक्ट करने वाला, केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए ओपन होगा, और जिनका नेम वेटिंग लिस्ट में है उनके लिए ये चीज़ ओपन होगी, तो वो दोनों जो है अपना शाला विकल्प चयन वाले पोर्टल तक पहुँच जाए। ओके, तो ये चीज जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो डाउट थे कि कौन स्टूडेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दो, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला है कि किनको अपलोड करना है, तो जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुके हैं, जो पास हो चुके हैं, वो सब अपलोड करेंगे, और शाला विकल्प चयन सूची में केवल उन्हीं के लिए वो लिंक ओपन होगी,
जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है और जिनका वेटिंग लिस्ट में नेम है, ठीक है। तो आप एक बार प्रोसेस शुरू करो, जहाँ तक आपका प्रोसेस ओपन हो जाता है, जहाँ तक डिटेल ओपन हो जाती है, वहाँ तक आप फिल कर लेना, ओके। इसके अलावा यदि कोई डाउट है तो ज़रूर से आप व्हाट्सअप कर लेना या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना, ओके। चलिए तो हम लोग सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। आपकी लाइव क्लासेस कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है, और कोर्स भी अवेलेबल है। यदि आप ग्रेड टू के लिए तैयारी कर रहे हैं मेन्स एग्जाम के लिए, या फिर आप ग्रेड थ्री प्राइमरी टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं साथ के साथ, तो वो क्लासेस भी आपकी अवेलेबल है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिलते रहेंगे, ओके। सो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।